कंप्यूटर में काम दिया गया है जिससे हम खुद डरते थे। टेढ़े टेढ़े क्यों देख रहा भाई, खाएगा तू भी, फास्ट कर लेता तू, खा लेता तू। इस टाइम तो जगह पे पहुंचते और जाके सो जाते हैं। तुझे तुम धोखा दे दिया, मैंने तो की रुक लो पकड़ा देंगे पर्चा पे, फायदा नहीं ना कोई। सो वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस, कैसे हो सब आप लोग, उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया हो गए। अभी सुबह सुबह उठ के हमें एक छोटा सा काम दिया गया है जिससे हम खुद डरते थे। स्कूल टाइम में बहन का रिपोर्ट कार्ड लेने जा रहा हूं, और जब हम जाते जब मेरा टाइम था ना स्कूल का, तब घर वाले जब आते तब मेरे को थोड़ा यूं होता था, मैं यार कहीं डांट वाट सीना पड़ जाएगा नंबर वंबर देख के। खैर अभी तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, मैंने मम्मी से कही थी चलो ना साथ चलो, मम्मी कहती तू ही ले, सिम्बा घर पे अकेला है ना, तो वो लेके। और फिर आज हम इस गाड़ी को सर्विस कराएंगे बिकॉज अभी इसे हम ट्रिप के लिए रेडी करना है। 60,000 किलोमीटर ये चल चुकी है भाई। स्कूल में जैसे ही एंट्री करी ना, मतलब बिल्कुल नॉस्टैल्जिक मोमेंट होगी। मैं वैसे ही थोड़ा फिल्मी आदमी हूँ, घुसने के अंदर साथ ऐसे लगा कि बस अभी बेल बजेगी, गेम्स पीरियड होगा और नीचे ग्राउंड में जाना है, सारे दोस्तों वेट कर रहे होंगे ये वो। और मैं कहा सेम वही क्लासेस वही बिल्डिंग, और जब भी मैं आता हूँ, एक बार भी नहीं हुआ कि मतलब जब भी मैं आता हूँ स्कूल के दिन याद आ जाते हैं यार। जो लोग अभी स्कूल में है ना, एक तो भाई पढ़ाई ढंग से कर लो, और दूसरा ना मौज मस्ती पूरी करो अपने स्कूल टाइम, बिकॉज स्कूल के बाद नहीं आना टाइम। घर वाले कहते हैं ना कि बस 10th तक पढ़ लो फिर मौज है, फिर 12th तक पढ़ लो फिर मौज है, भाई उसके बाद तो सब बस पढ़ाई चलती ही रहती है। सो पढ़ाई भी करो और स्कूल लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करो, मेमोरीज क्रिएट करो। जस्ट आफ्टर सर्विस कभी भी आप लोग गाड़ी नोट करना, एकदम मक्खन चलती लगेगी, ऐसा लग रहा है जैसे फिसलती जा रही है मक्खन के ऊपर। चलाने में मजा आ रहा है, पर ये जरूरी भी था कि आप ट्रिप के ऊपर अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं, हैप्पी नवरात्रे टू एवरीवन। पहला आज हमारा भी फास्ट है, तो मेरे को भी भूख काफी लग रही है, पर नारियल पानी से काम चला रहे हैं। तेरा भी फास्ट है क्या मम्मी? इसका फास्ट, सिम्बा का फास्ट है? लाइव बोल देती मेरे को, दे 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 छोड़ पकड़ छोड़ दे बॉल छोड़ दे इसका फास्ट नहीं है ना, बस ये मेरे लिए है, तू रोटी सब्जी खा रहा है बस। ये ले ले, ये तेरी बॉल ले। टेढ़ा टेढ़ा क्यों देख रहा भाई, खा ले, ये ले, नहीं खाना भूख नहीं है। समोसा हरी क्या है, आलू के कटलेट, साबूदाना के कटलेट, नहीं आलू वो है ये चाट, चाट ये भी खाएगा, तू भी खाएगा चाट, खाएगा तू भी, फास्ट कर लेता तू, खा लेता फिर ऐसे तो मिलेगा नहीं। आजा गेट पे चलेंगे, आजा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मेरी आवाज थोड़ी सी भारी होगी क्योंकि सुबह का टाइम है, और अब मैं सारा कुछ सामान पैक कर चुका हूँ, दो बैग ले जा रहा हूँ, ज्यादा कोई बड़े बैग है ही नहीं अभी, पर एक बैग में कपड़े, एक बैग में अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। थंबनेल देख के आप लोग पहचान ही चुके होंगे भाई, हम जा रहे हैं मिनी स्विट्जरलैंड, दैट इज खजियार। मैं एक बार जा चुका हूँ, पर टेम्पो ट्रैवलर से गया था जब, मैंने पापा से बहुत कहा था कि यार गाड़ी से चलो, क्योंकि गाड़ी से जो घूमने का मजा है वो बहुत अलग होता है। हम रेडी, सुबह के बज रहे हैं 7, जतिन को मैंने फोन कर दिया है, पहले हम फ्यूल अप कराएंगे, उसके बाद जतिन को झज्जर से पिक करते हुए नया रूट जो हमारा खुला हुआ है उससे जाएंगे आगे। सो अब आप इस ट्रिप को एंजॉय करना, आई एम रियली टोटली एक्साइटेड। कुछ भी प्लान नहीं है, मतलब होटल वगैरह में कुछ बुक नहीं करे, जितना हमसे ट्रैवल होगा, शाम जैसे ही अंधेरा होगा तो एक अच्छा सा होटल देख के हम रुक जाएंगे। ट्रिप पे जाते हैं तो भाई दवाइयाँ बहुत ज्यादा मोस्ट होती है, तो नॉर्मल जो भी दवाइयाँ हैं वो सारी मेरे पैकेट में रहती है, लैपटॉप बैग हो गया और उसमें मेरा ड्रायर है, बाकी कपड़े वाला बैग में रात को गाड़ी में रखा था। बाय सिम्बा, साइड हो जाना, मम्मी निकलने दे। वैसे इतनी सुबह सुबह ट्रैवल करने की थोड़ी कम आदत है, बिकॉज हम इस टाइम तो जगह पे पहुंचते हैं और जाके सो जाते हैं, बट अब की बार हम ये वाला ऑप्शन लेंगे कि हम दिन में ट्रैवल करेंगे और रात को जैसे ही अंधेरा होगा अपना स्टे लेके रेस्ट करेंगे। मतलब सबसे पहला गाना मोस्टली मैं यही ट्राई करता हूँ कि मैं एक भक्ति का गाना सुन लूं भाई, माइंड थोड़ा पॉजिटिव रहता है। वैसे खजियार तो अपने को हिमाचल के अंदर ही पड़ता है, बट मैं अभी सोच रहा हूँ फुल्ली कराऊंगा अपना टैंक, ताकि रास्ते में मुझे पता नहीं है ना, मनाली वाले रूट का तो हमें पता है कौन से पेट्रोल पंप पे क्या सीन है वगैरह वगैरह। मैं यहाँ दूसरी बार जा रहा हूँ तो रिस्क नहीं लेते हैं, फुल्ली करा लेते हैं। ट्रिप पे ना मैं देखना चाहता हूँ 20 इंचेस कितना माइलेज में इंक्रीज करते हैं, तो ट्रिप जीरो करके मैं इस चीज का नोट रखूंगा। लास्ट ट्रिप पे तो मैंने नोट रखा नहीं था कुछ खास। तो पहले मैं पिक कर रहा हूँ जतिन को झज्जर से, और हमें तो बरसात यहीं पे मिल चुकी है, मौसम पूरा बरसात वाला हो रखा है, और मैं तो शेड्स पहने थे सुबह निकलते टाइम, थोड़ी सी धूप थी लेकिन अब तो शेड्स उतारने ही पड़ गए। व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है, सनरूफ की ब्लाइंड भी खोल दी मैंने। 11 घंटे का रास्ता है एग्जैक्ट, अगर खजियार भी अगर मैं सीधा नॉन स्टॉप लगाऊं गाड़ी तो मैं जल्दी पहुंच सकता हूं, शाम को 6 बजे तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा दिन दिन में, फिर बीच में रुकने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। पहले तो ये बता दे कुछ खा के आया है?
तूने ब्रेकफास्ट कर लिया? कर लिया। फिर तुम धोखा दे दिया, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, मैं सोचा खा के आएगा नहीं। फिर अब कप्पे में हम बारे की जाओगे, कप्पे मिले कुछ? हाँ, इस पे तो 152 से जाएंगे तो इस पे तो कुछ मिलेगा भी नहीं, अब तो खाना सीधा लुधियाना ही मिलेगा। बहुत जोर की बारिश हो रही है और ये मौसम में ऊपर बिजली भी कड़क रही है। मौसम तो यही अच्छा हो चुका है, जब भी मैं झज्जर आया हूँ यहाँ बरसात मिली है। मुझे पिछली बार भी आया था जब मैं, तब भी थी बारिश, अब भी है बारिश। झज्जर आपको स्वागत करते हैं झज्जर आपको बरसात से। अच्छा अच्छा, वो खेल ले, हिल क्लाइंब खेल ले। ना खेल ले भाई, खा लिया तो। अब तो क्या है, 10 घंटे का रास्ता है, होटल हमने सिलेक्ट कर लिया सीधा खजियार का ही। यार ऐसा मौसम देख के कोई नहीं कह सकता कि सुबह के 9 बज रहे हैं, टाइम देखो अभी, इट्स वेरी क्लोज टू 9 एंड वैसे ये होता है 4-5 बजे के आसपास का मौसम, पर ठीक है, हम तो अभी से ही मजे लेते चल रहे हैं। अगर बारिश नहीं होती तो शायद मैं ड्रोन भी उड़ाता। पूरा खाली हाईवे है, थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए उतरा था और सोचा कि एक फोटो भी खिंचा लेता हूँ, मौसम इतना अच्छा है तो बढ़िया ही आएंगी। तेरी खींचनी है क्या? सही क्या तूने, तू अब भी रिलैक्स्ड है और मैं भी रिलैक्स लोअर ओवर में आया हूँ ताकि टेंशन ना हो, खींचे भी चला, मजे लेने आए, मजे लेंगे प्यार से। कौए पीछे पड़ रहे हैं ड्रोन के, ड्रोन हमारा ड्रोन शॉट ले रहा है और कौए चेक कर रहे हैं कि ये क्या चीज आ गई है। खैर इनसे इतनी दिक्कत नहीं है तो मैंने अभी फ्री छोड़ रखा, नहीं तो मैं नीचे उतार लेता। तो अपनी दिन की पहली मील अब अपनी यहाँ पे होगी, लुधियाना से बस थोड़ी सी पीछे है, 330 किलोमीटर चलिए। लौंडा भूखा मरे जा रहा था, कह रहा खिला दो, भूख तो देख मुझे भी लगी रही थी। खैर यहाँ पे हम लगा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे बाबाज भी ओरिजिनल, ये छोटा सा कोई फूड कोर्ट नहीं है, पूरा मॉल एरिया है और इसने आखिर में डोमिनोज कराई दिया। चलो डोमिनोज खा लेते, वैसे बीकानेर वाला भी था, रोटी सब्जी मिल जाती। अपना मेन काम था होटल बुक करना, खाना तो चल रुक के वैसे भी खा लेते, तो हमने होटल बुक कर दिया है। वहाँ पे एक ठीक सा होटल मिला, काफी सारे होटल मतलब यू नो बड़े वहाँ पे अच्छे टाइप का होटल ही मिलेगा आपको, मतलब नॉर्मल से ही है। आप एक्स्ट्रा जैसे सर्विसेज होती है लाइक 4-5 स्टार होटल, वो आप वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सुबह से इतनी ज्यादा तगड़ी बारिश हो रही थी और अब कौन मान लेगा कि इतनी ज्यादा धूप हो चुकी है कि हमें कर्टन की रिक्वायरमेंट है, पर मैं लगा नहीं रहा हूँ बिकॉज हम हैं पंजाब के अंदर, कोई भरोसा नहीं होता। फिर मामू जी रोक दे कि रुक लो, पकड़ा देंगे पर्चा, फिर फायदा नहीं ना कोई इतना। और ये तो सोने में ही है, सो जाता है, फिर एकदम से बोलता सो रहा है, एकदम से आंख खुलेगा, नहीं मैं तो नहीं सो रहा, मैं सही यार। वैसे खजियार के लिए काफी हाईवे ट्रैवल करना पड़ता है, मनाली के लिए मैं पहाड़ी वाले ट्रैवल के लिए मेरे को थोड़ा सा परेशानी होती थी कि यार कब खत्म होगा। अब ये हाईवे ऐसा चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हाईवे कब खत्म होगा। और ये देखो हुआ थी यहाँ से हम हिमाचल बॉर्डर के अंदर घुसेंगे, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो आप, उसके बाद आगे जाके फिर निकल जाएंगे। अरे दुखी मत करो यार, कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे घूमने आए हम। उधर वापस से जाके जो व्हाइट डॉटेड लाइन है, वापस पंजाब बॉर्डर में घुस जाएंगे, बीच का बस हिमाचल एरिया है। ऐसे बॉर्डर बड़े क्रॉस होते हैं रास्ते में। एग्जैक्टली
एग्जैक्ट जब 100 किलोमीटर बचा था तब सामने हमें पहाड़ियां दिखनी स्टार्ट हुई है। इधर शाम ढल रही है, अब जल्द से जल्द पहुंचने की जल्दबाजी है, अगर बीच में कहीं रुक के हल्का ना हुए तो। हल्का आप हो गए ना, आपको चप्पल चप्पल पैर नहीं है। मैं अभी सोच रहा हूँ सारे दिन से मैंने जूते पहन रखे तो वो पैरों में प्रेशर सा बना हुआ, तो अपने क्रॉक्स निकाल लेता हूँ। एक बार आप लोगों को चेक करा देता हूँ, माइलेज देखो गाड़ी की 12 पे पहुंच चुकी थी, मतलब एक टैंक में ये 965 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी। अब पहाड़ियां स्टार्ट हो चुकी है तो ऑब्वियसली बात है कि माइलेज ड्रॉप डाउन मारेगी। 4000 रुपए में हमने वॉशरूम यूज किया है, 4000 कुछ नहीं, बस मेरे को देखो अंदाजा नहीं है क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ गाड़ी से, तो मैं कहा यार ऊपर पेट्रोल पंप होगा नहीं होगा, यहीं से फुल करा लेते हैं अपना डीजल, आधा हो चुका था तो मैं कहा फुल करा ही लेते हैं। अराउंड अब 10,000 रुपीज का डीजल हम डलवा चुके हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम वापस घर तक जा सकते हैं, इतना अंदाजा पूरा है। Take me away to Neverland. What colors fade? ये ना सिंगल रोड दुखी करेगा क्योंकि सिंगल रोड पे ना आगे से भी लोग आ जाते हैं और इधर से भी आ जाते हैं, तो मोस्टली जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनको तो पता होता है कि देखो एडजस्ट कर लेते हैं, पर जब हमारे आते हैं ना यहाँ हमारे यहाँ के कंप्यूटर, उसको भी जल्दी निकलना और फिर ये जाम लग जाता है। तोड़ने का काम चल रहा है गाड़ी के, पत्थर ना लग जाए कोई भाई, देख के थोड़ी सी देख के भाई देख के रोक दे दोस्त, रोक दे मित्र, ज्यादा नहीं यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। सो वी आर जस्ट 33 किलोमीटर दूर अब हमारे होटल से, बट जो यहाँ से नीचे का व्यू आ रहा है ना पूरा नीचे, अब इस क्या कहते हैं इस गांव को पता नहीं, मुझे नाम नहीं पता, दूसरे को जन्नत कहते हैं, जन्नत कहते हैं। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, एक नंबर पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। क्या टेंट स्टार्ट हो चुकी है, हमें हुडी पहननी पड़ी, थोड़ा पीछे रहिए, ये फिसल जाते हैं यहाँ से ना, यहाँ से बहुत नीचे बस चढ़ाई चढ़े जा रहे वहाँ कहीं से आए हम, वहाँ से घूमते घूमते इधर उधर और यहाँ गाड़ी की फोटो एक नंबर आएगी, एक हमारी भी खींच दो, नई प्लेस है ना, इसे भी अच्छा लग रहा है। मनाली वाला रूट तो हमारा रहता ही है यूजुअल सा, जो तुझे लेना है ले ले, रात को चैचे मत करियो कि कुछ स्नैक्स नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ, छोटी छोटी बोतल ले ले, एक एक लीटर वाली ठीक रहेगी, इसकी गैस निकल जाएगी, ये वाली ठीक है, हाँ ये वाली ठीक है, ले ले लेस भी ले ले एक दो, ऐसे जी तो ऐसा कर रहा है, हर जगह रुक के फोटो खिंचवा ले है ना, ये भी आपका कौन सा व्यू, और यहाँ से ये व्यू आ गया, क्या फोटो ले रहे, टाइम ही टाइम है। देख कैसे पेटी ले जा रहा दारू वाले की तरह, आई डोंट नो आप लोग देख पाओगे नहीं कैमरा में, बट ये जो ऊपर थोड़ी सी व्हाइट देख रहे हो, सारे व्हाइट पहाड़ है और शायद हमें बहुत नजदीक से दिखने वाले हैं, बस हम पहुंच के ना देखते हैं हमारे होटल से दिखता है कि नहीं। एंड यहाँ पे हमारा वेलकम हो चुका है, ये गेट है छोटा सा, यहाँ पे अभी तो चेक पोस्ट है, वैसे कोई था नहीं, यहाँ पे ताला मार रखा है बस, अब तो हम यहाँ से 3.6 किलोमीटर अंदर, मतलब फॉरेस्ट एरिया के अंदर पड़ता है कजियार, थोड़ा वाइल्ड लाइफ से बच के रहना अगर आपको हो तो। ये तो भाई आते ही लग गया कोक के अंदर, इसको तो 4 पैकेट दिलाए थे, तो ये कुछ हमारा कॉटेज है, इसमें ऊपर जाके भी वहाँ भी सो सकते हैं, पर हम बंदे दो ही हैं, इधर लोग सो सकते हैं उधर सो सकते हैं, इधर किचन भी दे रखा है, तो ये पूरे खजियार में मुझे एकमात्र ऐसी ठीक सी प्रॉपर्टी लगी देख के जो ठीक ठाक लगी। हाल फिलहाल में ना खजियार में आपको वो 4-5 स्टार वाला होटल नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पे, बाकी खुलने वाला है यहाँ पे, मैंने अभी पता किया था, अभी के लिए तो हमें इसी चीज से एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लान हमारा 2 दिन का रुकने का है, कल हम ना कहीं और स्टे लेंगे, यहाँ पे हमें थोड़ा व्यू समझ में नहीं आया क्योंकि निकलते के साथ इसमें तो 4-5 कॉटेजेस हैं और लास्ट हमें वो कॉटेज मिला जिसपे व्यू नहीं था, बाकी सारे कॉटेजेस पे व्यू है, तो कल हम यहाँ से रूम भी चेंज कर लेंगे, अभी हमें रेस्ट करना था, मैं रात का टाइम आके अपना सो जाते हैं। भाई रूम तो कुछ खास नहीं है पर खाना ठीक था, इसने फ्राइड राइस मंगाए थे, मुझे भरोसा नहीं था क्योंकि मेरा लास्ट एक्सपीरियंस बहुत खराब था यहाँ पे, इसने मंगाया और अच्छे थे फ्राइड राइस, खा लिए बस, हटते अब बस लड़ाई हो रही है कि बाहर ठंड का मौसम है, गाड़ी में से मेरा दूसरा फोन लेके कौन आया क्योंकि वो इसमें एयरटेल की सिम है और उसमें ना हमारे को नेटवर्क मिल जाएगा, इंटरनेट स्पीड अच्छी मिल जाएगी। भाई कह रहे हैं कि 100 पाउंड पर मैं चलाऊंगा, मैं लेने जा रहा हूँ, आप खुद ही देख लिया अपना चला दिया, मैं इसे मतलब ये मान नहीं रहा, इसे गाड़ी चलाने की बड़ी शौक है ना, तो मैं चल वापस जाते टाइम 100 पाउंड पूरा गाड़ी ये चलाएगा, ठीक है कैमरे पे कह दिया देनी पड़ेगी, ये चलाएगा ठीक है 100 पाउंड पे चलाएगा, ये डन है, खुश है, जाके जाके फोन लिया जा, ना चल लिया, मैं इतने हीटर का आगे थोड़ा सीख लेता हूँ, ठीक है भाई, सब स्विमिंग पूल भी है, डुबकी मारी है एक, ये देखो ये तो कंबल के अंदर जा चुका है। बाकी एक चीज बताता हूँ तुम्हें, जब से हम आए तब से नॉन स्टॉप बारिश चल रही है भाई, और बहुत जोर की बारिश हो रही है, मतलब ये भी नहीं कि थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग हो रही है बाहर, मुझे तो बस यूं डर है कि कोई लैंडस्लाइड वाली दिक्कत ना हो अपने को। ये देखो ऊपर गाड़ियां खड़ी है, गाड़ियों के ऊपर पेड़ वगैरह थे, अगर पेड़ गिर गए ना यहाँ से जाना भारी हो जाएगा। कल सुबह के लिए हमने होटल बुक कर लिया है, यहाँ से लोकेशन अपनी चेंज आ जाएगी, होटल हमारा दूसरा होगा। सो गाइस इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप, चैनल पर नया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ही देना यार। सो गुड नाइट गाइस, सो जाओ, गुड नाइट बस भाई।